नमस्कार इंडिया, मैं हूं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सजावटी मछलियों की खेती का कॉन्सेप्ट क्या है, सजावटी मछलियों की खेती करना क्या हमारे लिए लाभदायक होगा, सजावटी मछलियों की खेती करने के लिए या फिर सजावटी मछलियों का व्यापार हमें क्या अच्छा खासा मुनाफा दे पाएगा, क्या हमें कहीं ना कहीं ये एक अच्छी रोजगार के रूप में कह सकते हैं हमारा सृजन कर सकेगा, उस पर हम बात करेंगे। इस पर और भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस रोज़गार को कैसे शुरू करेंगे आप, इस रोज़गार में लागत क्या है, इस रोज़गार की कितनी दरकार है, कितनी दरकार सजावटी मछलियों की है, उस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे आप हर चीज़ों को ब्रीफ में। सबसे पहले दोस्तों, सजावटी मछलियों की देश विदेश के बाजारों में काफ़ी मांग है। सजावटी मछली पालन का उद्योग पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत जैसा देश जहाँ के विभिन्न हिस्सों में समुद्री सजावटी मछलियों की लगभग 400 से ज़्यादा या कह सकता हूँ कि 500 के आसपास प्रजातियाँ हैं। सामान्य जल में सजावटी मछलियों की 375 प्रजातियाँ हैं, लेकिन देश में यह उद्योग जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रहा है। इसका कारण दोस्तों यही है मूलतः कि लोगों को उतनी जानकारी नहीं है और लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर ही पड़े हुए, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों यह बात होती है, ऐसे में जो एग्रीकल्चर और आपको फार्मिंग वेलफेयर मिनिस्ट्री है यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सजावटी मछली पालन के लिए 61.89 करोड़ रुपए की लागत से सजावटी मछली पालन परियोजना लॉन्च करने जा रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री SS आलूवालिया ने बताया है कि विश्व में सजावटी मछलियों यानी कि रंग बिरंगी मछलियों का कारोबार 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। मैं कहा अमेरिकी डॉलर, इसकी मतलब आप समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे गुना कर लीजिए, $1 के बराबर अभी 70 रुपया है और यहाँ पे 50,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन इससे में भारत की हिस्सेदारी मात्र 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करने जा रही है। इस पायलट परियोजना को लागू करने के लिए मछली पालन व्यवसाय और इसमें इम्पोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। देश के मत्स्य जितने भी आपको किसान हैं मछली पालन करने वाले, उनको व्यावसायिक स्तर पर कई तरह के प्रशिक्षण आदि भी प्रदान की जा रही है और इस पायलट परियोजना के तहत आपको अलग अलग तरीके से मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहन दी जा रही है, साथ ही सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सजावटी मछली पालन योजना के पहले चरण में 8 राज्यों को तय किया गया है, जिसमें से आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को चिन्हित किया गया है। इस परियोजना में जहां छोटे मछली पालक अपने घर के पीछे के हिस्से में मछली पालन इकाइयां स्थापित कर सकेंगे, वहीं बड़े मछली पालक मझोले आकार की इकाइयां, एकीकृत प्रजनन और उत्पादक इकाइयां, एक्वेरियम फैब्रिकेशन भी कर सकते हैं। सजावटी मछली पालन की पायलट योजना राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड यानी कि NFDB विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मछली पालन विभागों के माध्यम से लागू करेगा। सजावटी मछलियों की पायलट परियोजना के अंतर्गत धन वितरण की व्यवस्था नीली क्रांति यानी कि मछलियों के एकीकृत विकास और प्रबंधन के माध्यम से होगी। सजावटी मछली पालन परंपरागत मछली पालन क्षेत्र का एक उप क्षेत्र है, जिसमें मछलियों का प्रजनन सामान्य जल और समुद्री जल किया जाता है। अधिक जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर भी अभी विस्तार से नहीं बताई गई है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, तो मैं इसलिए कहा था क्योंकि आप इसमें और जुड़े रहेंगे तो आगे भी आपको और जानकारी मैं दे सकूंगा, और नहीं तो आप अपने नज़दीकी मत्स्य अधिकारी विभाग से जुड़ जाएं और वहाँ आपको चीज़ें बताई जाएंगी।